मूवी की शुरुआत मेट्रो में होती है, जहाँ पे इस कहानी का मेन कैरेक्टर इंसु को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो उस मेट्रो में अपनी माँ से बात कर रहा होता है और वो ट्रेन से स्कूल के बाद वापस अपने घर जा रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो ठीक है और अगर उसे वो प्रॉब्लम दोबारा हुई तो वो अपने अंकल के वहाँ रहने के लिए चला जाएगा। तभी उसकी स्कूल के कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उसे कहते हैं कि क्या वो घोस्ट्स को सच्ची में देख सकता है। जब वो लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं तो तभी वो वहाँ पे ट्रेन में एक लड़की की स्पिरिट देखता है। उन विजन्स को देखकर वो काफी घबरा जाता है। जब वो मेट्रो से बाहर आ जाता है तो वो बहुत ही सावधानी से अपनी रूम की तरफ जाता है। उस इंसिडेंट से वो काफी डर जाता है और वो वापस अपने होम टाउन में अपने अंकल सन ली के घर जाने का सोचता है। वो अपने अंकल को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि वो उनके साथ रहने के लिए आने वाला है। वो उन्हें पूछता है कि क्या उन्हें आहयंग दिखाई दी, तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि वो कहानी अब पुरानी हो चुकी है। बाद में हम इंसु को अपने होम टाउन में वापस जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो एक ब्यूटीफुल स्कूल गर्ल रोज को नोटिस करता है। वो बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव होती है, पर इंसु उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए दिखाई देता है। फिर वो अपने अंकल सन ली के घर पहुँच जाता है, जिनके पास भी उसी की तरह घोस्ट्स देखने की एबिलिटी होती है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि उसे अब इन सभी चीजों से दूर रहना है। वो इंसु से पूछते हैं कि क्या वो लॉकेट जो उसे अपने दादाजी के पास से मिला वो अब भी उसकी मदद कर रहा है, और इस लॉकेट को हमने मेट्रो सीन में भी देखा था। ये लॉकेट जब भी कोई घोस्ट नजदीक या तो घर में हो तो वो लॉकेट घूमने लगता है। और इंसु फिर अपनी बचपन की स्कूल में एडमिशन ले लेता है, और अपनी फेमिलियर स्कूल में आने के बाद भी उसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरी बुलीज की एक गैंग है जो उससे नफरत कर रहे हैं, और वो बंदे वीक स्टूडेंट्स को परेशान किया करते, और इंसु भी उनमें से एक था। पर एक लड़की जिसका नाम ह्यूनजी होता है, वो इंसु को पसंद कर रही होती है, जिससे उसके बॉयफ्रेंड ही चल को परेशानी होती है। अचानक इंसु को उस क्लासरूम में एक गोस्ट स्पिरिट की प्रेजेंस फील होती है, और वो उस डॉ के पीछे एक लड़की को देखता है जिसने मास्क पहना होता है। एक दिन ही चल इंसु की पिटाई करता है, क्योंकि वो इंसु को स्कूल की किसी भी लड़की से बात करते हुए नहीं देखना चाहता है, और वो उसे कहता है कि क्या उसे आगे के आहयंग का इंसिडेंट याद है या नहीं। इंसु फिर अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाता है, जहां पे इंसु और आहयंग एक साथ पढ़ाई किया करते, और ही चल उसे हायनजी से दूर रहने के लिए भी कहता है। फिर अगले सीन में हम बुली गैंग की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने घर वापस पहुंच जाती है और पॉलिथीन बैग को अपने एंट्रेंस पर नोटिस करती है। वो लड़की उस बैग को खोलने के लिए वहां पर जाती है, और वो बैग खून से भरी हुई थी जो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो काफी डर जाती है और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए उन्हें कॉल करती है, पर उसके कोई भी दोस्त उसे नहीं सुन पाते। और फिर एक लड़की वहां पे दिखाई देती है जिसे इंसु ने पहले उस डॉ के पीछे देखा था। अगले सीन में हम इंसु को रोज के साथ देखते हैं, जिसे उसने पहले बस में देखा था। रोज भी एक गोस्ट होती है जिसे सिर्फ इंसु ही देख सकता है, और वो उसे ही चल से सामने लड़ने का सजेस्ट करती है, क्योंकि वो बिना किसी रीजन से किसी को भी परेशान करते रहता। और तभी अचानक जोर से हवाएं उड़ना शुरू हो जाती है और रोज इंसु को कहती है कि वो मास्क गर्ल यहाँ पर आ चुकी है, और वो वहाँ से चली जाती है। वो लड़की ह्यूनजी की फ्रेंड को स्टोर रूम में ले जाती है और उसे बांध देती है, और फिर वो मास्क गर्ल की स्पिरिट उसे मार देती है। एक दिन रोज और इंसु साथ में चल रहे होते हैं, और इंसु वहाँ रोज से आहयंग के बारे में कहता है। आहयंग चाइल्डहुड में उसकी क्लासमेट होती है, और एक दिन वो मरी हुई पाई गई। जबकि इंसु घोस्ट्स को देख सकता है, तो आहयंग की स्पिरिट भी उसे दिखाई दी, और उसे किसने मारा वो सबको बताने के लिए कहती है। वो उसे मर्डरर के सामने पॉइंट करके भी दिखाती है, पर इंसु किसी को कुछ भी नहीं कह पाता, और वो इसकी बजाय चुपचाप खड़ा रहता है और वहाँ से निकल जाने का डिसाइड करता है। और वो रोज को बताता है कि आहयंग अब भी उसका इंतजार कर रही है, और इसीलिए वो यहाँ पर वापस आया। वो आहयंग के घर पर जाता है और उसके पिता से मिलता है, और उसके पिता उसे वापस देखकर खुश होते हैं। और तभी उसे नजदीक में आहयंग की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे गुड बाई कह रही थी, और इंसु को ये सब देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। बाद में रोज और इंसु वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई देते हैं। इंसु रोज को अपने हाथ कैसे वार्म करे वो सिखाता है, और रोज के स्पिरिट होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन क्लासरूम में ह्यूनजी किसी लड़के को बिना रीजन के परेशान कर रही थी,
इंसू वहाँ पर जाता है और ह्यूनजी को उसे बिना रीजन के परेशान करने से रोकता है। ही चल उसे मारने के लिए खड़ा होता है, पर ह्यूनजी उसे रोक लेती है। रात में जब इंसू रोज की स्केच बनाता है तो रोज वहाँ पर आके उसे परेशान करती है। इंसू उसकी प्रेजेंस को फील कर पाता है पर उसे लोकेट नहीं कर पाता। बाद में वो अपने कपड़े बदलता है और रोज उसे क्लोज़ेट से छिपकर देखती है। बाद में वो अपने अंकल के साथ न्यूज देखता है जहाँ पे एक मर्डर केस दिखाया जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि 10 साल के बाद आखिर वो मर्डरर पकड़ा गया और जो मास्क पहने हुए दिखाई देता है। उस मास्क को देखकर वो उस मास्क गर्ल को याद करता है जिसे उसने क्लास में देखा था। एक गोस्ट स्पिरिट उनके साथ होती है और उन्हें कहती है कि उस लड़की का नाम से ही है। सनली उससे मास्क गर्ल की कहानी के लिए पूछता है पर वो सिर्फ उसका नाम ही बताती जाती है। रात में स्कूल के अंदर उस बुली गैंग की एक लड़की और लड़का वहाँ पे दिखाई देते हैं। वो वहाँ पे उस लड़की का फोन लेने के लिए आए थे जो वहाँ के किसी टीचर ने सीज कर लिया था। बाद में वो क्लासरूम में पहुँचते हैं और एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और तभी वो लड़की वॉशरूम के लिए जाती है और वो लड़का उस क्लासरूम में अकेला रह जाता है। वो वहाँ पे उसका वेट करते हुए सो जाता है और जब वो अपनी आँख खोलता है तो वो मास्क गर्ल उसे मार देती है। वॉशरूम में वो उसकी आवाज़ सुनती है और उसे ये सब करने का मना करती है। जब वो बाहर आती है और दूसरी जगह को देखती है तो वो वहाँ पे कुछ देखकर डर के मारे वहाँ से भागती है और क्लासरूम में पहुँचने के बाद उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। जब वो बाहर निकलने के लिए जाती है तो उस लड़के की लाश उसके सामने गिरती है। वो चिल्लाती है और अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो मास्क गर्ल उसके सामने आती है और उसे कहती है कि वो से ही है। अगले दिन इंसू क्लास में से ही की इन्फॉर्मेशन के लिए क्लास में पूछता है और सब कुछ जानने के बाद भी वो उसे से ही के बारे में कुछ नहीं बताते क्योंकि वो उस बुलियंग गैंग से डर रहे थे। एक लड़की बोलने की कोशिश करती है पर ह्यूनजी उसे ना बोलने के लिए कहती है। जब इंसू और रोज रिवर के पास घूम रहे होते हैं तो तभी वो लड़की जो उसे से ही के बारे में बताना चाहती थी वो उसे मैसेज करती है। वो उसे से ही की एक फोटो भेजती है और उसे से ही के बारे में आगे ना पूछने का मैसेज सेंड करती है। जब इंसू रोज के साथ इसके बारे में बात करता है तो रोज उसे कहती है कि कोई भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता जबकि उन सभी को पता है कि उसकी मौत कैसे हुई। जब उसे पता चलता है कि ह्यूनजी और उसकी बुली गैंग ने से ही को मारा था तो वो गुस्से में ही चल को मारने के लिए जाता है पर ही चल उसे मारने लगता है। वो उन्हें कहता है कि उन्होंने से ही को मार दिया तो ह्यूनजी साइलेंट हो जाती है। ही चल उसे मारते जाता है और वो उन्हें कहता है कि से ही उसे नहीं छोड़ने वाली और उन्हें वो सब कुछ सबके सामने सच बताने के लिए कहता है। इंसू के वर्ड्स को सुनने के बाद ह्यूनजी वरीड होने लगती है और बाद में वो ही चल को से ही के पिता की फोटो उसे दिखाती है और उसे अपने मिसिंग फ्रेंड्स के इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और उन्हें पता चलता है कि वो से ही के पिता है जो अपनी बेटी के लिए सभी को मार रहे हैं। ही चल उसके पिता को मारने का डिसाइड करता है और से ही के घर पहुंच जाता है। ह्यूनजी इंसान को बुलाने के लिए कहती है पर ही चल उससे गुस्सा होता है और उसे मना करता है। वो उसके घर में जाते हैं और ह्यूनजी इंसू को मैसेज करके कहती है कि वो से ही के घर में जा रहे हैं। इंसान मैसेज को रिसीव करता है और अपने अंकल को इस सिचुएशन के बारे में बताता है। वो से ही के घर जाकर उनकी मदद करने का डिसाइड करता है और उसके अंकल उसे लोकेट देकर उसे जाने देते हैं। जब वो उसके घर में जाते हैं तो वो उन्हें एक बॉक्स में से आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं और ही चल अपने हाथ से दरवाजे को ठोकता है और ह्यूनजी को से ही की स्पिरिट वहाँ पर दिखाई देती है और इस स्पिरिट को देखकर उसे पता चल जाता है कि से ही उन्हें मार रही है। तभी उस बॉक्स में से ही के पिता बाहर आते हैं और ही चल पर अटैक करते हैं और उसके पिता ही चल के मरने तक उसे मारते रहते हैं। इंसू वहाँ पर पहुँचता है पर वो उन दोनों को नहीं खोज पाता। ह्यूनजी चिल्लाती है और से ही के पिता से उनके कर्मों के लिए माफी मांगती है पर से ही के पिता उस पर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। ह्यूनजी की आखिरी स्क्रीम सुनकर इंसू उस जगह पर पहुँचता है जहाँ से ही के पिता बाहर आते हैं। इंसू बाद में अंदर अपने क्लासमेट को देखने के लिए जाता है और वहाँ पे वो बुली गैंग की लाशें देखता है। उसे वहाँ पे एक खुला बॉक्स भी दिखाई देता है। वो वहाँ पे जाता है और उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसे से ही मास्क पहने दिखाई देती है। जब वो मास्क को निकालता है तो उसे पता चलता है कि से ही कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि वो रोज है जिसके साथ वो क्लोज था। सीन फिर हमें फ्लैशबैक तक ले जाता है
जहां से ही अपने हेड टीचर से ह्यूनजी की बुलियिंग के बारे में कंप्लेन करती है। पर वो हेड टीचर ह्यूनजी की इंसल्ट करती है और वो गुस्से हो जाती है। ह्यूनजी क्लास में वापस पहुंचती है और से ही की नोटबुक्स चेक करती है और उसकी हैंडराइटिंग को कंप्लेन लेटर से मैच करती है और फिर उसे पता चलता है कि से ही ने ही उस लेटर को लिखा था। और उसके बाद से ह्यूनजी और उसकी गैंग उसे बुरी तरह से बुली करने लगे। वो उसे मारते, उसके बाल काट लेते और उसे मास्क पहनने के लिए मजबूर करते जिससे कि वो कुछ बोल ना सके। वो उसके बाल को भी जला देते हैं। और जब वो टीचर से कहती है कि वो उस मास्क को नहीं निकाल सकती तो टीचर उसकी नहीं सुनते और उसके साथ एक बुरी ट्रेजेडी हो जाती है। क्लास में से किसी भी स्टूडेंट को उसके साथ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सभी ऐसे बिहेव करते जैसे कि से ही एग्जिस्ट ही नहीं करती। से ही उस बुलियिंग से परेशान हो जाती है और घर पे रोने लगती है। जब उसके पिता उससे उनके बारे में कंप्लेन करने का कहते हैं तो वो उन्हें बताती है कि टीचर उसकी कंप्लेन का उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और से ही बाद में सुसाइड कर लेती है। बाद में इंसू को उसके घर से एक डायरी मिलती है जिसमें सभी विक्टिम्स के नाम के अलावा एक ही नाम पे क्रॉस नहीं किया गया था जो उसके हेड टीचर का नाम था। इंसू फिर अपने अंकल को कॉल करके उन्हें से ही के घर में फ्यूनरल परफॉर्म करने के लिए कहता है। इंसू फिर हेड टीचर को बचाने के लिए स्कूल पहुंचता है। हेड टीचर कंप्यूटर में काम कर रही होती है और अचानक से ही की स्पिरिट उसे स्क्रीन पर दिखाई देती है और तभी सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में पहुंचने का मैसेज मिलता है। इंसू भी वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें टीचर के बारे में पूछता है पर कोई उनके बारे में नहीं जानता था। तभी वहां की लाइट्स चली जाती है और से ही उनके सामने टीचर बनकर आ जाती है। वो गैसोलीन का बॉक्स उनके सामने फेंक देती है। से ही फिर वापस अपने लुक में आ जाती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने पहले उसे इग्नोर किया था जब वो बुलीड हो रही थी और इसीलिए सभी मरने का डिजर्व करते हैं। इंसू उसे रोकने की कोशिश करता है पर से ही लाइटर को फेंक देती है। पर तभी से ही की दूसरी पर्सनालिटी रोज वहां पर पहुंच जाती है और उस लाइटर को कैच कर लेती है और यहां पे से ही एक डेंजरस कैरेक्टर दिखाई देती है और रोज उसका अच्छा कैरेक्टर दिखाई देता है। से ही रोज से कहती है कि क्या वो भूल गई है कि कैसे वो टॉर्चर और बुलीड हुई थी और अब वो वीक नहीं है। वो रोज को गायब कर देती है और टीचर की बॉडी में वापस आ जाती है। वो वहां पे सभी चीजों को अपनी स्पिरिचुअल पावर्स से तोड़ने लगती है और उन्हें डराती है। इंसू अपने लॉकेट से रोज को खोजने की कोशिश करता है और उसे वो एक लड़की के अंदर दिखाई देती है। वो उसे वो नोटबुक देता है और उसे सब कुछ रोकने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान और से ही बचपन में फ्रेंड्स होते हैं और उसने एक बार इंसान को बुलीड होने से भी बचाया था और दोनों एक दूसरे से बचपन में बहुत ही करीब थे और इंसान ने उस नोटबुक में से ही का स्केच भी बनाया था और इंसान उससे माफी मांगता है क्योंकि वो उसे रोज की स्पिरिट में नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया। रोज उसे लाइटर देती है पर ईविल से ही उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हकारी उस स्पिरिट को फ्री करने की रिचुअल कंप्लीट कर देता है और इंसान के पॉकेट में जो नाइफ होता है वो शाइन करने लगता है। रोज उस नाइफ को ले लेती है और अपने आप को मार देती है। और बाद में अगले सीन में हम इंसान और रोज की ब्यूटीफुल मेमोरीज देखते हैं और आखिरी सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को से ही की ग्रेव के पास देखते हैं। बाद में हम इंसान को वापस अपनी स्कूल में टीचर के रोल में देखते हैं और वहां पे उसे आखिरी बेंच पर एक स्पिरिट बैठी हुई दिखाई देती है। वो स्टूडेंट्स से पूछता है कि उस लास्ट बेंच में कौन बैठा करता तो वो उसे कहते हैं कि एक लड़की वहां पर बैठा करती जिसने हाल में ही अपनी स्कूल चेंज की है। वो स्पिरिट इंसान के नजदीक आती है और मूवी यहां पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।